प्रणाम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। सुबह का 8 बज चुका है और हमारे नए ब्लॉग में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी फिलहाल हम यहीं पर आप साई काटा यहीं पर हम खड़े हैं। गाड़ी हमारे देखिए पार्किंग में खड़ी है और सारा गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है और नारियल का पेड़ भी बगल में है। और पार्टी वाले बोले हैं कि हम 9 बजे आएंगे आपको काटा करा के और लेके जाएंगे। तो 9 बजे काटा करा के आएंगे, लेके जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे ये हमको पता नहीं है। अब वो आएंगे जाएंगे उसके बाद हमको मालूम चलेगा कि किस जगह पर खाली करेंगे और कितना दूर हमको जाना है खाली करने के लिए। और प्लांट बन रहा है या कोई उनका फैक्ट्री है या क्या है, अभी जाने के बाद सब कुछ मालूम चलेगा। तो ठीक है। और यहाँ पे आम का बगीचा, छोटा छोटा पेड़ बहुत काफ़ी मात्रा में है और कौन सा आम है नहीं बता सकते। देखिए एक लाइन से पूरे आम लगा हुआ है दोनों साइड में, ये देखिए काफ़ी आम है और डाल फेंका हुआ आम फलता होगा। और नल है बगल में हम लोग का जहाँ गाड़ी खड़ी है ना, तो वहाँ पे जाते हम लोग नहा लेते धोवा लेते फटाफट। कपड़ा तो हम धोएंगे नहीं, कपड़ा बाद में रास्ता में धोलाएगा, चंदन में धो लेंगे। तो हम थोड़ा साबुन लाने के लिए बाहर जा रहे हैं, साबुन गाड़ी में कम है खींचने वाला। तो चलिए हम जाते हैं साबुन लाते हैं, चंदन उतले आप अपना नहाइए धोइए, ठीक ना। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग नहा धोवा के चंदन बाबू भी नहा लिए, हम भी नहा लिए, कपड़ा उपड़ा धो लिए चंदन बाबू। और 9:30 बज चुका है और काटा कराने के लिए पार्टी वाले भी आ गए हैं, तो चलते हैं काटा कराते हैं। गाड़ी का प्रेशर भी बन गया है और देखिए मौसम तो धूप था लेकिन अभी ठंडा है, धूप गर्मी होते रहता है। तो यही काटा है सामने और वो खड़े हैं स्कूटी में वहीं पे, चलिए काटा कराते हैं। हेलो दोस्तों, अपना गाड़ी कांटे पे चढ़ चुका है और वेट हो रहा है, वेट होकर फिर हम लोग को जाना होगा सीधा रॉन्ग साइड से। और अभी पार्टी वाले भी आए हैं, वो क्या क्या बोल रहे हैं आगे पुलिस वाले नहीं जाने देते, देखिए क्या होता है। तो अभी वेट कराते हैं। 14 चक्का के दोस्तों, अपना गाड़ी कांटे करके बाहर निकल रही है और जिधर से ब्रिज साइड से आए थे उधर ही से हम लोग को जाना होगा, कम से कम यहाँ से हम लोग को जाना होगा 20-22 किलोमीटर लगभग। तो अभी गाड़ी से कांटे से निकाल दिए गाड़ी, अब इधर घुस रहे हैं सर्विस रोड में। जाइए जाइए, काटिए काटिए काटिए, नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, इसी रास्ता से आए थे और ब्रिज से मुड़ के हम लोग को उधर जाके नहीं दहने साइड मुड़ना है, उधर जाना है। कम से कितना किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर जाना होगा, 12-13 किलोमीटर बोल रहे हैं, किलोमीटर रेडिंग नोट किए हैं, देखिए कितना किलोमीटर होता है ना। हम लोग नेशनल हाईवे रोड में घुस चुके हैं और वहाँ पे सर्विस रोड से जो कटने वाला रास्ता है वहाँ पुलिस वाले खड़े थे रोकने के लिए, तो ब्रिज का आगे काम चल रहा है इसी कारण से। तो पार्टी वाले बात किए तो हम लोग को जाने दिए, शायद बात ये किए कि हम लोग को उससे पहले ही जाना है, इसी कारण से हम लोग को जाने का ऑर्डर मिला। और तो आगे आगे चल रहे, देखिए स्कूटी लेके, और ये पार्टी वाले हैं स्कूटी लेके आगे आगे चल रहे हैं, देख लीजिए मालूम नहीं कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जाना है। तो चलिए, ये तो है सुविधा मिला, नहीं तो भटकते रहते कहाँ कहाँ। और ये 30 किलोमीटर से आया काटा कराने के लिए, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, यही है गोवा, यही गोवा का नज़ारा है आज का सुबह का। और बहुत ही बढ़िया मौसम किया हुआ है, बादल धूप हो रहा है, इधर नारियल का पेड़ और इधर घर का डिजाइन देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए सब ऊपर से सीट टाइप में छाया हुआ है, मस्त लग रहा है, पूरा प्लेन छत नहीं है। और देखिए पूरा हरा भरा है, इधर पूरा नारियल का पेड़ चारों तरफ देख सकते हैं। ब्रिज के नीचे से हम लोग को दहिने जाना है और दहिने जाके कितना किलोमीटर जाना है आगे ये नहीं पता। और बगल में देखिए नदी टाइप में है, छोटा मोटा नहर, और आगे जाम लगा हुआ है, काम चल रहा है। ब्रिज से नीचे से हम लोग घूम रहे हैं, इधर घूमना है अपने को और फिर इधर घूमना है, साफ जैसे घूम रहा है गाड़ी, दहिने बाएं दहिने बाएं।
इधर भी देखिए दोस्तों, पूरा धान का खेती हुआ है चारों तरफ, देख रहे थे तो हमको बहुत अच्छा लगा। और ये मंसूरिया धान है ना पापा? ये नटवा मंसूरिया धान है और धान कैला रहा है, पक भी गया है 10 दिन के अंदर में ही। देखिए पक कितना, पूरा पक गया एकदम, पूरा पीला हो गया एकदम पक के बढ़िया। कितना दिन लगेगा रेडी होने में? 15 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा सब। और इधर का लुक बड़ा बढ़िया है, रोड का देखे बहुत सुंदर लग रही है। बीच में फुटपाथ बनाया हुआ है, वहाँ आदमी को बैठने के लिए बेंच सब भी लगा हुआ है, चारों तरफ बनाया हुआ है पूरा हर जगह, मतलब 60-70 फीट 80 फीट पे। बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों साइड में धान का खेती है इधर, और अच्छा लग रहा है। लाइटिंग भी देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर लगा हुआ है, रात में तो और अच्छा दिखता होगा। देखिए दोस्तों कैसा से कैसा रोड में आ चुके हैं। और ये इसको क्या चीज बोलते हैं पापा जो बिछा हुआ है? टाइल्स बोलते हैं, गुटका बोलते हैं, टाइल्स गुटका, इसका रोड ही बना हुआ है। और ऐसा जगह में अपना गाड़ी चल रहा है पहली बार। दोस्तों सामने पूरा चढ़ाई आ चुका है, अब लग रहा है हमारा गाड़ी पहाड़ी के ऊपर जा रहा है। ऊपर से बहुत ही लंबा ढलान है, गाड़ियां भी आ रही है देख सकते हैं। इधर घर बहुत सुंदर सुंदर बना हुआ है चारों तरफ, और खपड़ा घर चारों तरफ है। हम लोग सीढ़ी टाउन पार करके और ये पहाड़ी के ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं। देखिए अबे पहाड़ी के ऊपर रोड है, गाड़ी मेरा 3 नंबर पे चढ़ रही है, 2 नंबर नहीं 3 नंबर लगा हुआ है, 3 नंबर हाँ गाड़ी चढ़ रही है। एक जब 3 नंबर गियर लग गया तो जान जाए कितना चढ़ाई है, ठीक ना। आराम आराम देखिए चढ़ रहे हैं, मौसम नहीं कुछ बच्चे गाड़ी को तो फिर 2 नंबर का डाल पूरा इधर हरा भरा मौसम क्या बोला तो जंगल है। और कितना आगे जाना है, आगे जा रहे हैं भाई साहब देखिए। हम लोग इतना घुसा घुसा गली कुचा लाए, बहुत गली कुचा में गाड़ी लेके आए, बड़ी गाड़ी है इधर से उधर इधर से उधर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपका पब्लिक भी इधर उधर घुसने वाला नहीं, पब्लिक को ज्यादा परेशान नहीं करती। और जगह जगह रहने पर कोई गाड़ी नहीं घुसा रहा था क्या? लाइन से सब गाड़ी चल रहा था। फिल्मा इंडस्ट्री एरिया में आ चुके हैं दोस्तों, और देखिए चारों तरफ फैक्ट्री फैक्ट्री है, इधर भी फैक्ट्री है, और इधर कोई पॉल्यूशन वाला नॉट पॉल्यूटेड कंपनी है सब। इधर लोहा लक्कड़ वाला शायद लगता है काम नहीं होता होगा ना पापा? नहीं, यहाँ लोहा लक्कड़ नहीं बनता है यहाँ पे, मतलब कोई बढ़िया बढ़िया कॉस्टली सामान बनता होगा जिससे प्रदूषण नहीं हो, धुआं धक्कर नहीं हो। हाँ क्योंकि इधर कहीं ज्यादा चिमनी नहीं दिखने की मिल रहा है बड़ा बड़ा। और देखिए कंपनी बढ़िया बढ़िया है एकदम सुंदर सुंदर मस्त क्लासिफाइड कंपनी। हाँ अभी हमने गाड़ी लेके आ गया, सर आगे आगे यार चल रहे थे और मैं पीछे पीछे चल रहा था, तो सर ने पूरा जहाँ तक जो साई काटा से हम चले ना क्रॉस क्या बोलते क्रॉस बड़ा से, तो वो बड़ा घूम घुआ कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ, आराम आराम से हम लोग चले हैं। इंडस्ट्री एरिया है तो सर का देखिए ये बिल्टी है, चलान है बिल, और बहुत अच्छा लगा। और यही गोडाउन है देख सकते आप लोग बगल में, और हड आएगा तो गाड़ी हम लोग का अभी खाली होगा, तो बोल रहे सर के अगर अभी आ जाएगा तो अभी, नहीं तो फिर दोपहर में आएगा सर, दोपहर में दो बजे के लमसम आएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अड्डा पे पहुंच गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, खाली हो जाएगा हड आएगा तो। टाइम लगेगा थोड़ा खाली करने में क्योंकि माल है ना, उठाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा उसमें बेल्ट बुल्ट, तो ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। अभी गाड़ी अंदर में हमारा लग चुका है, और देखिए खाली करने के लिए बाता होता हम निकाल दिए पूरा, एक बात छोड़ दिए हैं, और देखिए हाइड्रा भी आ गया है सामने देख सकते हैं। और यही भाई है जो हाइड्रा चलाते हैं, और ये भाई साहब हमारे बिहार से रहा है, छपरा जिला से है। और कैसे भैया? सब ठीक है। और देखिए यहाँ गोवा में अपना काम कर रहे हैं, तो ये गाड़ी आप यहीं का सेठ जी का है कि ना? बाहर का रेंट वाला गाड़ी है, रेंट वाला गाड़ी है तो यहीं चलाते हैं।
तो बताइए इतना दूर से आके यही चलाते हैं और हम लोग टूर करते रहते हैं और एक जगह रहते हैं, तो कैसा लगता है आपको? बढ़िया है ना, गोवा सबसे बढ़िया जगह है। बढ़िया जगह है, कोई दिक्कत उक्कत? बहुत बढ़िया, कुछ बढ़िया जगह है ना। कितने दिन आना जाना करते घर पे? 4-5 महीना में हो जाता है, हो जाता है ना। तो भाई हम लोग भोजपुरी भाषा है, कहे कि भोजपुरी भाषा तो हम लोग बोलेंगे, तो आप लोग बोलिए कि भाई देखिए दोनों मिल गए भोजपुरी भाषा बोल रहे हैं, इसलिए हिंदी में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, गाड़ी खाली करा रहे हैं। देखिए दोस्तों, गाड़ी हमारा खाली होना शुरू हो चुका है और इतना माल उतर भी गया है और इतना माल बाकी है और लगेगा इसमें कम से कम और 1-1.5 घंटा बस खाली हो जाएगा। धीरे धीरे खाली होगा क्योंकि ये हैवी माल है ना, तो खाली हो रहा है। टाइम हो गया 11:10 हो गया और हम लोग का गाड़ी खाली हो रहा है। तो चंदन को बोला कि भात बना लीजिए, तो गर्मे गर्म देखिए चावल बना लिए और रात वाला हम लोग का मछली बचा हुआ है, चार पीस है। तो हम लोग जान बुझ के बचाए थे तो इतना बचाना कोई जरूरी नहीं था। हम लोग बोले कि चलो भाई रहेगा तो कल सब्जी नहीं बनाना पड़ेगा और सब्जी काफी महंगा इधर में है। तो चलिए भोजन करते हैं हम लोग। एक में खाएंगे क्या पापा? एक में खा रहे, जब मुंह में खिया रहे में खाए में दिक्कत है ना? नहीं दिक्कत। यहाँ गाड़ी खाली हुआ तो मालूम चला कि 2 पॉइंट का माल है मेरा, तो अभी 21 पीस हमारा गाड़ी में माल है, वो हमको लेके जाना पड़ेगा यहाँ से 50 किलोमीटर फोंडा। तो वहाँ पे हमारे को बताया नहीं कि ये 2 जगह का माल है, यहाँ आने के बाद दो का क्या? हाँ तो चलिए अब कोई बात नहीं, सेड़े से बता दिए, वो बोले कि बात हो गया उनसे, तब लेके खाली करना पड़ेगा ना, गाड़ी में माल लोड हुआ है तो डिलीवरी तो देना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, निकालते हैं गाड़ी, फिर बिल उल के देखते हैं, पार्टी का लोकेशन वोकेशन मिलेगा अपने को, नंबर वंबर, फिर निकला जाएगा फोंडा के लिए। हेलो दोस्तों, हम लोग का तो गाड़ी खाली हो गया, गाड़ी खाली होकर हम लोग इधर इंडस्ट्री एरिया में बगल में सर्विस रोड में लगाए हुए हैं और हमारे हाथ में नया बिल्टी मिला है, जहाँ का माल है ना, जहाँ सेकेंड पॉइंट खाली होगा वहाँ का फोंडा का। तो अभी देखिए यहाँ से रात में निकला जाएगा क्योंकि आगे ब्रिज का काम चल रहा है, इसीलिए हम लोग नहीं निकल सकते हैं। हेलो दोस्तों, शाम को 6:30 हो चुका है, अभी हम प्रिया इंडस्ट्री में है, खड़े हैं चौक में, यही चौक है और यहीं से गए थे खाली करने के लिए। आगे में 10 कदम है डाउनिंग है, वहीं पे है मेरा गाड़ी सामने खड़ी है और माल अपने को जाना है फोंडा लेके खाली करने के लिए। तो जरा सा बात ये हो गया ना कि जो नेशनल हाईवे रोड में काम चालू है ब्रिज का, उसके कारण गाड़ी छोड़ते नहीं है, तो हमको रुकना पड़ा और कागज़ हमको थोड़ा लेट से मिला और आगे उनका ऑफिस है इसी लाइन में, तो अभी ट्रैफिक है, छुट्टी उट्टी भी हो रहा है, ड्यूटी छोड़ने वाले ड्यूटी करके लोग जा रहे हैं अपना घर और शाम का मौसम है और बहुत अच्छा है, देख सकते हैं। और भाई साहब वहीं ड्यूटी करते हैं, आपको कौन सा कंपनी भाई साहब का? एसारिया स्टील में। तो कैसे आप? बहुत बढ़िया आप लोग का, अच्छा लगा, यहीं काम करते हैं तो गाड़ी देखे हमारा, तो फिर हमको देखे तो चौक में चले आए, मेरे अपना गोडाउन में गए तो बोले कि मैं वहीं काम करता हूँ। तो भाई साहब से मिल के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो थोड़ा एड्रेस हमको इन्होंने समझा दिए कि यहाँ से जाएगा, जिस कंपनी का माल है बोले कि कल खाली कर देंगे, उनके पास खुद का अपना करेन है और लेबर भी रहती है, तो संडे कहेंगे खाली भी नहीं होता है, लेकिन चलिए खाली हो जाएगा तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है, तो उधर से हम चले आएंगे तो मेरा काटा हो जाएगा तो रिसीविंग मिल जाएगा, तो फिर हम कहीं का अगर प्रोग्राम मिलेगा तो लोडिंग किया जाएगा। तो देखिए अब खाली होने के बाद, काटा होने के बाद हमको सूचित करेंगे सेठ जी को कि गाड़ी हमारी रेडी हो गई, क्या ठीक है भैया? और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। रात्रि के 7 बज गया दोस्तों और ये देखिए मेरे पापा यहाँ नमक लेके बैठे हुए हैं, इधर मेरा राजमा है और चना दाल है, ये दोनों का तड़का बनाएंगे और ये छोटा वाला राजमा दाल है ना पापा, और रोटी बनेगा, रोटी बनेगा मस्त खाना, फिर खा पी के यहाँ से रात में निकला जाएगा, निकला जाएगा फिर फोंडा पहुंचा जाएगा, फिर कल खाली होगा गाड़ी क्या? रात में कौन खाली, सीढ़ी तो बोलते रात में खाली होगा, अगर खाली कर देगा तो बड़ा सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए, रातों रात हम लोग चले आएंगे यहाँ, फिर रुकेगा नहीं कोई, तो चलिए उधर से आने के लिए शायद रोकते नहीं है, सुनते हैं, अब जाने के बाद मालूम चलेगा, अब खाली करेंगे आएंगे तो मालूम चलेगा। चलिए तड़का बनाते हैं चना दाल और राजमा का, क्या बाबा? इसको ढक्कन लगा के पानी डाल के पैक करते हैं, पहले पानी डालते हैं। और हम लोग का सामने 2 किलोमीटर बीच है क्या पापा, लेकिन घूमने नहीं जा सकते हैं क्या? अच्छा कभी फिर देखेंगे,
तकदीर में। मन तो बहुत था लेकिन आप नहीं जाने दे बाबू। मेन बात है रिक्स है ना। रिक्स गाड़ी है ना, गाड़ी छोड़ के कैसे आप जाइएगा? कैसा जगह, कैसा जगह नहीं है नहीं? क्या पता है कि नहीं? गाड़ी फ्री, गाड़ी का टायर टपारा सा तिरपाल है, सब कुछ है। गाड़ी लवारिस अगर रहेगी जूनियर जानवे करते हैं। कंपनी के अंदर खड़ा रहता तब जाओ। कंपनी में रहता सेफ रहता, और वो कंपनी व्यवसाय नहीं है, है कि नहीं? चाहे वो काटा में भी रहता तो सेफ रहता। हाँ वहाँ काटा पास। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसको ढक्कन लगा दिया, अब इसको चढ़ाते हैं ऊपर। माचिस मार। देखिए दोस्तों, चना दाल और राजमा का हम तड़का उबाल लिए हैं, उबाल लिए इसको। अभी तड़का लगा नहीं है, बहुत बढ़िया से उबल चुका है, एकदम गल गया है। और इधर मेरा लहसुन प्याज मिर्चा भी एकदम बारीक काट लिए हैं, तड़का में जैसा डलाता वैसा। इधर मेरा टमाटर भी कट चुका है, और मसाला भी इधर थोड़ा माइनर मसाला तड़का में डाला जाता है। तो तड़का लगाने के लिए ये सब चीज़ का जरूरी है। पहले ये सब चीज़ को बढ़िया से भूंज के एकदम फ्राई ये सब करके, उसके बाद इसको राजमा और चना दाल को डाल के तड़का लगाएंगे। तो अभी बनाने जाते हैं। बनाए ना पापा? बनाइए बनाइए। अब पापा मेरे आराम कर रहे हैं, अभी गाड़ी चलाना है इनको रात भर। रात भर नहीं, एक डेढ़ घंटे का रास्ता है ना, 50 किलोमीटर जाना पड़ता है। देखिए दोस्तों, मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम देखिए जीरा डाल दे रहे हैं। जीरा डाल देंगे, उसके बाद इधर लहसुन प्याज मिर्चा जो काटे हैं ना, अब इसको हम डाल देंगे। हो गया मेरा जीरा, अब देखिए लहसुन प्याज मिर्चा डाल दिए। अब इसको हम चलाते हैं बढ़िया से, हल्का भुजाएगा तीनों चारों चीज़ बढ़िया से। उसके बाद मसाला टमाटर डाल के दाल को डाल के फ्राई कर दिया जाएगा। तो अभी प्याज को भूनना पड़ेगा, थोड़ा ब्राउन होगा तब डाला जाएगा टमाटर और मसाला। तो अभी भूजते हैं, हल्का टाइम लगेगा। देखिए दोस्तों, मेरा प्याज लहसुन मिर्चा बढ़िया से फ्राई हो चुका है, एकदम ब्राउन हो चुका है बढ़िया एकदम। टमाटर को भी बढ़िया से भूज लेंगे, और टमाटर भूजा जाता है उसके बाद हल्का मसाला डाल दिया जाएगा इसमें, जो ये कटोरी में निकाल के रखे हैं। देखिए दोस्तों, मेरा टमाटर भी हल्का भूज चुका है, अब इसमें हम मसाला डाल दे रहे हैं। तो मसाला भी डाल के बढ़िया से भूजते हैं, और इसमें पानी भी डालना पड़ेगा हल्का, क्योंकि पानी के बिना भुजाएगा नहीं, नहीं तो ऐसे मसाला सट के जल जाएगा। तो हल्का इसमें पानी डालते हैं, बस इतना पानी काफी है। हेलो दोस्तों, देखिए मेरा मसाला भुजा चुका है, फौरन ये सब देख लीजिए, एकदम बढ़िया से भुजा गया। और इधर मेरा दाल भी एकदम रेडी है, तो अब इसमें डालने का समय आ चुका है, क्योंकि मेरा फौरन भूज चुका है, तड़का लगने के लिए अब तैयार है। तो देखिए दाल ये सब डाल दे रहे हैं, डाल दिए, तो फ्राई कर देते हैं बढ़िया से, हल्का खोलेगा उतार देंगे, क्योंकि दाल तो मेरा सिंझा हुआ है, मसाला भी पक चुका है। तो देखिए अब इसको मिलाते हैं और फ्राई करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा तड़का बन के एकदम बढ़िया से रेडी हो चुका है, देख लीजिए। अब गैस को हम बंद कर दे रहे हैं, अब आटा सानने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेरा तड़का कितना ही बढ़िया बन के एकदम रेडी हो चुका है, और ये चंदन बाबू ने बनाया है, और मैं पापा आज कुछ हेल्प नहीं किया। चलिए जब बनाने जानिएगा सब कुछ, तो हेल्प का करना है, आपको हेल्प करने का क्या जरूरत है? देखिए अब निकाल रहे हैं। नहीं, मेरे पापा बहुत हेल्प करते मेरा। रात्रि के 12 बज चुका है, और हम लोग का देखिए चना दाल और राजमा डाल के तड़का बना चुके चंदन बाबू, इधर रोटी बना दिए हैं। तो अभी हम लोग भोजन करेंगे, और भोजन करके और फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग, क्यों कि माल वहाँ डिलीवरी देना है। तो वहाँ जाने के बाद मालूम चलेगा, और नेशनल हाईवे में काम चल रहा है ना, इसलिए पुलिस वाले दिन में गाड़ी नहीं जाने देते हैं, तो वही मालूम चल जाएंगे कहाँ तक ब्रिज का काम चालू है, कहाँ तक हो रहा है ब्रिज का काम। तो चलिए भोजन करते हैं। जय मानपूर्णा, जय माँ। बहुत अच्छा बना था चंदन बाबू, तो एक नंबर बना। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पीला इंडस्ट्री से, और टाइम हो गया 10:40, अभी हमको जाना है आपको कोंडे, कोंडे मतलब छोटा है ना, कोंडा कोंडा।
हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं पोंदा। तो पोंदा से पहले ये ब्रिज बनता है और पीछे काम भी चल रहा है, और इसके ज्यादा नहीं 4-5 किलोमीटर में ही पंजी आ जाएगा। तो अभी देखिए कितना ही सुंदर ब्रिज बना हुआ है और लाइटनिंग ये सब पूरा लगा हुआ है रोड में। देखिए दोस्तों, अभी ब्रिज के नीचे ही हम हैं और ये पुल पार कर रहे हैं पुराना वाला। और ये देखिए बगल में ही समंदर है, जो बीच में लाइट जल रहा है ना समंदर के अंदर, वो सब नाव है, बोट है, कैसीनो वाला। तो पूरा बहुत बड़ा ही समंदर है, इधर ठंडा लग रहा है पूरा। और इधर देखिए, उधर एक साइड और ब्रिज है और उधर साइड देखिए कितना ही कैसीनो वाला बोट ही सब है। का तो बच चुका है और हम फुंडे में आ गए हैं, यहाँ भगवती स्टील में। तो गाड़ी में खड़ा कर दिया अंदर में घुसा के, तो अभी हम लोग आराम करेंगे। और बीच में बीच मिला समुन्दर और बहुत जहाज वाली अंदर में थी, पानी वाली, और बहुत लंबा ब्रिज था, ऊंचा ब्रिज था। अब नाइट में तो देखने, दिन में जाते तो मजा आता उसमें, बहुत अच्छा लगता। और उधर जितना हवा है ना पूरा पहाड़ी इलाका है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं और कल नए ब्लॉग के साथ में आप लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।